दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में करंट लगने से गाय की मौत पर भड़के लोग, विद्युत वितरण अधिकारी के गलत पंचनामा बनाने पर कॉलोनी वासियों ने जमकर हंगामा करते हुए अधिकारी का घेराव किया। पुलिस की उपस्थिति में फिर से पंचनामा बनाया और सही स्थिति से अवगत कराया। समझाइश के दौरान एसआई साहब गुस्से में लोगों को कुश्ती लड़ने की बात कह रहे हैं। खरगोन शहर के साकेत नगर में विद्युत पोल में करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। गाय की मौत पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा तब बढ़ गया जब उन्होंने विद्युत वितरण की लाइन में फॉल्ट की बजाय पंचनामे पर एक निजी स्कूल की लाइन में फॉल्ट होकर करंट उतरना बता दिया। जैसे ही लोगों ने पंचनामा देखा, लोगों ने जमकर बवाल किया और आए अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। कॉलोनी वासियों ने ही जैतापुर पुलिस चौकी को सूचना देकर पुलिस बुला ली। पुलिस के सामने लोगों ने अपनी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के द्वारा गलत पंचनामा बनाने की बात कही। संदेश के दौरान महोदय एसआई जाट भड़क गए और कॉलोनी वासियों को कहने लगे, आप तो पहले कुश्ती लड़ लो। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये लोहे के बाक्स में तो ये समस्या आएगी ना, अभी आप रेयर केस में आएगी। अभी आप लाइन में आते से ही बोले सर, रेयर केस में बच्चा मर जाएगा उससे पूछो रेयर में पैदा हुआ क्या। आज हम इतने मेहनत से सर हम लोग बच्चों का लालन पोषण करते हो, जरा सी गाय कीमती होगी सर। सुनो, इसमें चार बार प्रॉब्लम होती है, पांचवी बार प्रॉब्लम सर इसी पोल पर। हाँ, इसको डब्बे को दिखवा दें क्योंकि चार बार हो चुकी लाइन फाल्ट इस डब्बे में, यानी पांचवी बार होगी तो बिल्कुल दिखवा लेंगे। इसलिए सर नहीं आए, हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत। ये क्या मामला था, यहाँ पर आप आए हैं साकेत नगर में, करंट लगा, गाय की मौत हो गई है, आरोप लगा रहे हैं कि विशेष पब्लिक स्कूल का पंचनामा बना दिया था गलत तरीके से। नहीं नहीं, गलत तरीके से नहीं बताया गया था। यहाँ हमने पता किया तो उपभोक्ता की सर्विस बताई गई, जिसमें से सिर्फ एक ही उपभोक्ता की इस खंबे से सर्विस लाइन है जो कि अविशंस स्कूल की थी। उसके में मैंने स्कूल से और नहीं सर एक की एक मिनट एक मोबाइल लाइन यस हाँ जिसमें उपभोक्ता के द्वारा मैंने लाइनमैन को कंफर्म किया, मैंने कहा ये किसकी है, तो बाद में बताया कि जो मेन लाइन और सर्विस बॉक्स के बीच की कहीं ब्रेक है जिसका टुकड़ा हमारे पास ये रहा, जो कि मैं मेरे पास है, यहाँ आपको मैं दिखा पाऊँगा। ये सर्विस से इसमें पोल में करंट आना पाया गया। ये किसकी लाइन का है वायर? ये उपभोक्ता और ये सर्विस लाइन और बॉक्स के बीच का सब वायर है। उपभोक्ता की लाइन तो नहीं है? उपभोक्ता का नहीं है। तो सर आपने जो उपभोक्ता का पहले पंचनामा बनाया फिर उसको फाड़ दिया, ये क्या मामला? नहीं नहीं, फाड़ा नहीं गया उपभोक्ताओं के द्वारा, यहाँ लोग वहाँ खड़े थे इनके द्वारा फाड़ा गया, ना कि हमारे पास, हम तो खुद ही लेकर गए। तो बिना चेक करे पंचनामा कैसे बना दिया किसी स्कूल के नाम से? नहीं नहीं, पंचनामा स्कूल के नाम से नहीं बनाया गया, जो कि हमारे पास है और आप उस फटी हुई कॉपी को भी देख सकते हैं, किसी स्कूल या किसी इंडिविजुअल पे ये नाम नहीं, लेकिन इनके घबराते हुए इन्होंने उसकी कॉपी ली है, ना कि हमारे द्वारा। सर बीच में बोलना पड़ेगा, इसमें अब बोलना पड़ेगा सर, मैं जानता हूँ, इसके बाद में आप मेरे ऊपर आप क्या क्या मेरे स्कूल के नहीं नहीं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ सर, इसमें साफ लिखा है जिसमें अविशंस स्कूल की सर्विस केबल खराब एवं कट जाने से पोल में करंट आने की आशंका है, ये स्पष्ट भाषा में लिखा है सर। अब इसकी आप अच्छी कॉपी लीजिए, उस समय नहीं ली थी इन्होंने, डबल स्तर गलत बयान दिया, ये तीसरा बयान है सर गलत इनका। इसमें साफ लिखा है अविशंस स्कूल की सर्विस लाइन खराब पाई गई, जबकि इनका लाइनमैन का बयान लीजिए सर पहले, आप कहाँ पर है कि लाइन किसकी कटी हुई थी, गलत बयानबाजी कर रहे हैं सर। ये भी नहीं, अभी आपने तीसरी बार गलत बोला हुआ है सर, आपने तीसरी बार गलत बोला सर आपने, और मैं जानता हूँ इसके दुष्परिणाम मेरे स्कूल पे आप क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा जानता हूँ मैं, जो व्यक्ति 50 लोगों के बीच में बोल सकता है इतनी गलत बात। नहीं नहीं, बहुत गलत, इनके सर्विसमैन का इनके सर जी, दो मिनट हाथ जोड़ के विनती, आप सही बयान देंगे सर, आप इनका बयान लीजिए, अब लेना जरूरी है सर। क्या हुआ था सर? ऊपर मेन लाइन जो केबल थी उसमें से वायर आया हुआ था, वो कटा हुआ था, लेकिन मेरे से पूछने इसके पहले इन्होंने पंचनामा बना दिया था। लेकिन मैं उतरा और मैंने फिर इनको बताया कि साहब मेन केबल कटा हुआ है, आप ये फाड़ दो। पंचनामा किसने बना दिया? पंचनामा किसने बनाया? सिंह साहब ने, मतलब उन्होंने मेरे से, मैं ऊपर था, नीचे लाइनमैन ने बताया, ये उन्होंने लाइनमैन ने बताया कि सर ये केबल कट गई। अब यहाँ क्या केवल दो केबल है क्या इस पोल पे ऊपर? उन्होंने एक अंदाज से लिख दिया कि भाई स्कूल की केबल सर, मेरे स्कूल की, लेकिन पूरी गाज गिरती ना सर। मैं नीचे आके मैंने बताया कि ये मेन केबल है अपनी, उसका वायर कटा हुआ है, तो उसके हिसाब से पंचनामा बनाया है। पहला पंचनामा कैंसिल करके दूसरा बनाया है? क्या सुनामा आपका? मैं ऊपर से आया और भी कैंसिल करवाया पंचनामा। क्या सुनामा, क्या सुनामा, क्या स्कूल की केबल कटी हुई? नहीं नहीं, स्कूल की थोड़ी है, मेन केबल है, ऊपर से आई वो मामला था। ये एमपी वाले आए सर, उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि करंट कहाँ से आ रहा है। हाँ। जब लाइन में चला तो उनको मैंने स्पष्ट कहा था